यदि आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ मोहम्मद शमी जहां मार खा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नताशा पांड्या का दिल टूट रहा था। आपको बता दें कि हार के बाद हार्दिक पांड्या की बीवी नताशा मोहम्मद शमी पर बेहद ही बौखलाई नजर आई और अपना बयान देते हुए उन्होंने एक इस स्टार तेज गेंदबाज पर अपनी भड़ास निकाली है। आखिर गुजरात की हार के बाद मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर ऐसा क्या कह दिया है नताशा पांड्या ने जिसको सुनकर आपके भी खून खौल उठेगा, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से बेहतरीन तेज गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब शिखर धवन खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे उस वक्त सबको ऐसा लगा था कि धवन ही वो बल्लेबाज होंगे जो विनिंग शॉट खेलेंगे, लेकिन आखिरी ओवरों में आकर लिविंगस्टन में तो गुजरात के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का धागा खोल कर रख दिया। आपको बता दें कि लिविंगस्टन ने 4 ओवर शेष रहते ही पंजाब किंग्स को शानदार जीत दिलाई और पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला भी मयंक की टीम ने ले ही लिया। 16 ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी की 6 गेंदों पर लिविंगस्टन ने कुल 28 रन कूट डाले, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 जानलेवा छक्के लगाए। उनका एक छक्का 117 मीटर का था, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। यही नहीं, विरोधी टीम के वाइस कैप्टन राशिद खान भी लिविंगस्टन का बल्ला लेकर चेक करने लगे कि आखिर उन्होंने कितना बड़ा छक्का लगाया है। कैसे वही दोस्तों मोहम्मद शमी पर भड़कते हुए हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा पांड्या ने उन पर बेहद ही बेतुका बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, नताशा पांड्या ने अपना बयान देते हुए कहा है कि इस टूर्नामेंट में हमारी टीम ने अब तक शानदार खेल दिखाया है और एक हार के बाद लोगों का मजाक उड़ाना बेहद गलत है। हमें लगता है कि हमारी टीम इस साल चैंपियन बनने की पूरी दावेदार है। वहीं दोस्तों, वह जब उनसे मोहम्मद शमी के ओवर को लेकर सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जैसे अनुभवी गेंदबाजी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब लिविंगस्टन ने उन पर एक छक्का लगाया उस वक्त मुझे लगा कि ये कमबैक करते हुए उन्हें आउट करेंगे, लेकिन एक ओवर में 28 रन खा जाने के बाद ये दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक शमी के लिए शोभा नहीं देता है। उन्हें अपनी गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है। अगर ऐसा रहा तो उससे गुजरात को काफी नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि शमी ने आखिरी ओवर में ढील दी। उनको लगा था कि हम ये मुकाबला नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जब तक ये मैच खत्म नहीं होता है तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि नेट रन रेट की आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से नताशा पांड्या ने मोहम्मद शमी को लेकर सनसनीखेज बयान दिया, उसे सुनकर तो आपको भी यकीन करवाना मुश्किल हो जाएगा कि वैसे मोहम्मद शमी पर नताशा का यह बयान बेहद ही बेतुका है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? साल 2022 में कौन सी टीम चैंपियन बन सकती है, लखनऊ गुजरात या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।